नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं नमो घाट। आपको बता दें, नमो घाट एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे G20 के जो डेलीगेट्स हैं वो यहां पर नमो घाट को देखने के लिए, यहां पर घूमने के लिए आए थे। तो आज हम आपको नमो घाट के बारे में विशेष जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आपको बताते हैं जहाँ पर डेलीगेट्स आए थे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी थी, खास चीज़ें उसके बारे में आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। आप ये नीचे देख सकते हैं नमो घाट पर, ये रील्स तैयार करने के लिए यहाँ पर ये डांस चल रहा है। दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ पर हमारे G20 के डेलीगेट्स आए हुए थे। तो यहाँ पर खास क्या तैयारियाँ वाराणसी प्रशासन के द्वारा की गई थी उसके बारे में आपको हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इन तीन नमस्कार करते हुए हाथ के बारे में, एक महिला का हाथ है, दूसरा पुरुष का हाथ है, तीसरा बच्चे का हाथ है। महिला पुरुष का हाथ पहचानने के लिए ये चूड़ी, कंगन और कलाओं के रूप में पहचान सकते हैं महिला पुरुष। और बच्चे का हाथ 15 फीट का बनाया गया है, महिला पुरुष का हाथ जो है 25-25 फीट का बनाया गया है। खास तैयारियों की बात करें तो ये लाइटिंग व्यवस्था पहले से दोगुना कर दी गई है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं लाइटिंग व्यवस्था, ये नीचे सीढ़ियों पर, और ये होर्डिंग फ्लैक्स, ये जो लगाया गया है ये व्यवस्थाओं को लेकर लगाया गया है। G20 यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का चित्र, G20 भारत 2023 इंडिया वेलकम टू वाराणसी, आप ये देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये काशी विश्वनाथ जी का शिखर। नमो घाट पर दूसरी तैयारियों को लेकर देख सकते हैं, ये जितने भी हमारे डेलीगेट्स थे, जिस देश से वो ताल्लुकात रखते थे उस देश का ये फ्लैग्स लगाया गया है। इसमें हमारे भारतवर्ष का भी फ्लैग्स है। ये यहाँ पर लाइट व्यवस्था देख सकते हैं, ये माँ गंगा में बोटिंग करते समय भी आपको दूर से काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ेगा। ये तैयारियों को लेकर दे सकते हैं, ये कितना प्यारा सा लिखा हुआ वाराणसी। और ये फ्लैग्स सामने, तीन हाथ जोड़ते हुए नमस्ते करते हुए हाथ, ये नया लगाया गया यहाँ पर। ये सामने दे सकते हैं राजघाट ब्रिज के जो खंभे हैं उस पर ये खूबसूरत लाइटिंग व्यवस्था की गई, ये नया लगाया गया है। ये देख सकते हैं जो रोड, ये डमरू का रोड बनाया गया, ये नया बनाया गया है। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे ये गंगा तट तक जाने के लिए बनाया गया, ताकि हमारे डेलीगेट्स आसानी से नीचे से उतर करके क्रूज के माध्यम से और अन्य बोटों के माध्यम से बोटिंग आसानी से कर सकें। हेलो भैया, हेलो, इधर से आइए, रास्ते से आइए, सीढ़ी बंद है। दोस्तों आपको बता दें, जो विशेष तैयारियों के रूप में एक ये भी पार्ट जोड़ा गया था मेहमानों को दिखाने के लिए, आई लव वाराणसी। ये है भगवान शिव, G20 का लोगो, वसुधैव कुटुंबकम। आपको बता दें, जो ये राजघाट यानी मालवी पुल जो दिख रहा है,
इसके ऊपर खंभों पर तो लाइट लगी थी, नीचे देखिए गंगा जल से ऊपर ये लाइटिंग व्यवस्था सभी खंभों पर कर दिया गया है, ये नया है। ये यहाँ पर बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए ये नया लगाया गया है। ये सामने है टाइमलाइन इंस्टॉलेशन, ये फूड कोर्ट को बिल्कुल साफ सुथरा बना दिया गया है। यहाँ पर कोई भीड़ नहीं, कोई गंदगी नहीं, ऐसा कर दिया गया था उन 3 दिनों में जब हमारे डेलीगेट्स आने वाले थे यहाँ पर। ये सामने देख सकते हैं ये फ्लैग्स लगा है, वेलकम टू वाराणसी, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये नया लगाया गया यहाँ पर। बच्चों के इंटरटेनमेंट की व्यवस्था मस्त है। ये आई लव वाराणसी का बोर्ड लगा गया है फ्लैक्स के रूप में, ये नया यहाँ रखा गया है। ये देख सकते हैं गैम्बेन विधि के माध्यम से जो पत्थरों पर तार लगी गई हैं उस पर भी लाइट की जो व्यवस्था की गई है वो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये 3 आई लव वाराणसी का ये फ्लैग्स लगाया गया है, यहाँ पर स्टैंड कर दिया गया था, ये 2 हो गया, ये 3 और पीछे भी था, ये सब नए लगाए गए हैं हमारे डेलीगेट्स को दिखाने के लिए। देखिए इसको ये बंद कर दिया गया था, ये बच्चों की ये वोटिंग प्लेस था, इसको बंद कर दिया गया था। यहाँ भी देख सकते हैं आई लव वाराणसी का फ्लैग्स लगाया गया है। ये सामने देख सकते हैं पेड़ पौधों में ये लाइटिंग व्यवस्था, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये नीचे ओपन एरिया को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया था, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया ओपन एरिया को। ये लाइटिंग व्यवस्था भी देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त लाइटिंग व्यवस्था है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जो हमारे डेलीगेट्स को दिखाने के लिए तैयार किया गया था, वो अभी मौजूद है। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।